नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानते हैं खांसी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ एक घरेलू औषधियों के बारे में। खांसी जब भी होती है बहुत इरिटेबल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खांसते खांसते गले में, सर में और आँख नाक में दर्द होने लगता है, यानी कि गले के ऊपर के सभी भाग में आपको दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। तो इस स्थिति में क्या करें, कैसे जल्दी ठीक करें खांसी को, इसी बारे में जानेंगे आज के इस एपिसोड के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। आइए अब सबसे पहली औषधि जानते हैं जो कि खांसी को दूर करने में आपकी मदद करेगी, वो है अलसी और तिल का प्रयोग। जी हाँ, अलसी और तिल को बराबर मात्रा में मिला करके भूनना है आपको। इसके बाद इसका पाउडर बनाना है और एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से लेना है। पाउडर बना करके रख लीजिए, ये कुछ दिनों तक रख भी सकते हैं। इसके बाद आपको नियमित रूप से सेवन करते रहना है, खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा प्रयोग है फिटकरी को तवे पर भून लीजिए। इसका पाउडर बना करके रेगुलर रूप से आप लेते जाइए, आपको फायदा अवश्य होगा, आपके खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक कप पानी में आधा चम्मच मुलेठी पाउडर और 8 से 10 तुलसी के पत्ते डाल करके उबाल लीजिए। इसे गुनगुना करके चाय की तरह पीजिए, हल्का हल्का करके आपको खांसी से राहत मिलती जाएगी। इसके अलावा सरसों के तेल में 4 से 5 कली लहसुन डाल करके गर्म कर लीजिए। इस गुनगुने तेल की मालिश सोने से पहले पैरों के तलवों और छाती पर कीजिए, आपको दर्द से राहत मिलेगी और खांसी आपकी ठीक होती जाएगी। गले में दर्द हो रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ आपके खांसी की समस्या दूर हो जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ और बलशाली भी हो जाएगा। इसके अलावा इन प्रयोगों से भी अगर आपको अभी तक खांसी से राहत नहीं मिल रही है, तो एक कप पानी में 4 से 5 लौंग डाल करके उबालिए और गुनगुना होने पर इसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए और एक चम्मच शहद मिला लीजिए। इसके बाद इसको पीजिए, इससे आपकी खांसी से आपको राहत मिलने लगेगी। इसके अलावा एक कप दालचीनी में 1 टुकड़ा अदरक, चुटकी भर दालचीनी और काली मिर्च डाल करके उबालना है आपको। गुनगुना होने पर इसको छान करके शहद मिला करके पीना है। ये बहुत ही गुणकारी प्रयोग और प्रयोग है अगर आप खांसी को दूर करना चाहते हैं तो। खांसी को ज़्यादा दिन तक रहने भी नहीं देना चाहिए, इसीलिए ये तुरंत उपाय अपना लेना चाहिए। ये प्रयोग बच्चों पर भी किया जा सकता है, बस मात्रा निर्धारित कीजिए कि कम कम मात्रा में दीजिए। ज़्यादा मात्रा में देना बच्चों के लिए नुकसानदायक होगा, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा की सेवन जो है वो उचित नहीं है। इसके अलावा लहसुन की 3 से 4 कली और आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध में डाल करके उबाल लीजिए और रोज रात को सोने से पहले इसे पीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, आपकी खांसी को दूर करने के लिए ये गुणकारी और लाभकारी प्रयोग है। इसके अलावा आप सभी कर सकते हैं, हल्दी को भून लीजिए और उसको मुंह में दबा करके रखिए। हल्दी भूनने के बाद आपको मुख में रखना है। ध्यान रखिए, हल्दी पाउडर वाली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो वो है खड़ी हल्दी का टुकड़ा होता है, उसके प्रयोग से आपको ये लाभ प्राप्त होता है। तो खड़ी हल्दी के टुकड़े को आप अच्छे से पहले भून लीजिए आग में, इसके बाद उसको आप मुंह में रख लीजिए। आपके खांसी की समस्या को ये दूर करने के लिए अच्छा उपयोग है। या फिर आप कर सकते हैं, घी लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, इसके अलावा थोड़ी अदरक डालिए, थोड़ी लौंग डालिए और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इसके बाद इसको गर्म आंच पर रख करके खौला लीजिए और इसका सेवन कीजिए। इससे आपको खांसी को दूर करने में तुरंत राहत मिलती है, खांसी इससे दूर हो जाती है। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए जो कि खांसी को दूर करने से रिलेटेड रहा। आपके लिए ऐसी ही नई अन्य जानकारियां हम लेकर के आते रहते हैं।
अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सभी हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से आपकी कोई समस्या है, किसी भी बीमारी से रिलेटेड या औषधि के रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, हम उन टॉपिक्स पर भी वीडियो अवश्य बनाएंगे। अब जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट अवश्य किया करें ताकि अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँच जाए। कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।